हमारे चौधरी साहब ने जो है सहकारी पद्धति जो कि सोवियत तत्कालीन सोवियत सरकार का जो पद्धति थी उसका आपने विरोध किया और आपका मानना था कि जो जमीन का मालिकाना हक है वो किसानों के पास ही होना चाहिए। पॉल आर ग्रास एक इतिहासकार है, उन्होंने मेरठ में आके 2 साल अध्ययन किया था और मेरी एक क्लासमेट थी विशाखा, उसके पिताजी मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो वो उन्हीं के घर पर रहते थे। तो वो किताब 2 वॉल्यूम में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित है और हम लोगों ने पढ़ी भी है। उसमें चरण सिंह जी के बारे में जो मैंने पढ़ा और जो समझा वो मतलब अतुलनीय एक व्यक्तित्व जो होता है कि इसको कहा जाए कि समाज में बदलाव की बात सब लोग करते हैं पर बदलाव को अपने जीते जी करके दिखाना और उसे जिंदा दिली से उसको जीना, वो उस 2 वॉल्यूम की किताब आपको दिखाती है कि संगठित रूप से आप किस तरीके से एक बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो किसानों की समस्या हो या उनके अपने जो राजनीतिक मंतव्य थे उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन किसानों की जो बातें उस 2 वॉल्यूम की किताब में निपटनी चाहिए और उस एक चैप्टर पूरा है कि वो चुनावी कैंपेन कैसे करते थे। तो चुनावी कैंपेन में वो 3 दिन पहले घर पे अपना हाथ पैर धो के बैठ जाते थे और वो कहते थे कि अगर 5 साल मैंने कुछ नहीं किया है तो 3 दिन में अब कुछ नहीं होगा, 3 दिन में अपनी बच्चियों को दे रहा हूँ, किसान भाई बहन तय करेंगे। ये जो कॉन्फिडेंस उस महान व्यक्तित्व में था वो सिर्फ आपके भरोसे था, किसान भाइयों के भरोसे था कि अगर मैंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है तो 3 दिन में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आज आप सभी यहाँ पर हैं, माननीय विधायक लोगों ने जो बातें बोली जितना उनका हमें सहयोग मिलता है, कठोर प्रशासनिक अधिकारी हम सब जितना कोशिश कर रहे हैं कि आपके उत्तरोत्तर वृद्धि में हम योगदान दे सकें, यही मेरी कामना है और यही मेरा प्रयास रहेगा। साहब ने न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अपना जीवन दिया बल्कि देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना अमूल चूल एक प्रकार से सहयोग करने का काम किया। आज उनको इसलिए भी हम लोग याद करते हैं कि जब कभी देश की आज़ादी की लड़ाई का विषय आता है, जब कभी लोगों के त्याग का विषय आता है, जब कभी लोगों के वैराग्य का विषय आता है तो निश्चित रूप से चौधरी साहब जैसे लोगों ने, हम सब लोग खुली हवा में सांस ले इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। मैं इसके लिए हृदय से उनके चरणों में नमन और उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। चौधरी साहब के लिए मैं 2 पंक्तियाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी है वो ऐसे महापुरुषों को शायद ऐसे ही कार्यक्रमों में याद करती है, इसलिए अगर उनके जीवन के विचारों को हम लोग आत्मसात करके अपने जीवन में अवधारित करने का काम करें तो निश्चित रूप से हमें भी सफलता मिलेगी और इससे बड़ी उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि नहीं होगी। मैंने कहीं 2 पंक्तियाँ सुनी थी कि मैं हम कांधा उनको दे न सके, हम श्राद्ध तुम्हारा कर न सके, जो शून्य बनाया था तुमने तिल भर हम उसको भर न सके। हम नहीं कर पाए वो काम जो हमारे चौधरी साहब चाहते थे और यही कारण है कि देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए। जो हमारा मेहनत करके और बचाकर हमारे को जीवन देने का काम करता है उसकी दशा दिशा और समृद्धि को सुधरी बातें हुआ करती कोई भी राजनीतिक दल हो, जब से विशेष